हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले HDFC बैंक के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर दिया है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी चैनल आया है तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो अगर हम लोग इधर केयरफुली बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लगातार की फ्लक्चुएशन कैसे रही है। सबसे पहले ये ओपन हुई थी, बहुत पॉजिटिव में ही ओपन हुई थी, और फिर लगातार डाउन के साइड का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। पर मैं आप लोग को कुछ और चीज़ भी याद दिला दूँ कि अगर आप लोग ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है या नहीं देखी है, तो मैंने उस वीडियो में टारगेट दिया हुआ था 1450 का, इस वीक का टारगेट था। तो अभी अभी का अभी ये 1430 तक टच कर दिया। आप लोग यहां पे हाई पॉइंट देख सकते हैं, 1430 तक इसने टच कर दिया। अगर अभी तक आप वो वीडियो जाके नहीं देखे तो अभी जाके देख लीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी ऐसे ही लगातार मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो यहां पे अगर हम लोग फोकस करें तो देख सकते हैं, लगातार यहां पे देख सकते हैं डाउन के साइड का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, और कहीं इस पार्ट पे और इस पार्ट पे नेगेटिव जाने का चांसेस था बना हुआ। पर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन ऊपर के साइड जाते हुए दिखा HDFC। और अब नेक्स्ट टारगेट क्या रखना है इसके बारे में बात करना है। तो इस वीक का टारगेट तो दिया हुआ है, मैंने पुरानी वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोला हूं, 1450 तक का टारगेट रखिए। अब थंबनेल में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उस हिसाब से आपको कितना रखना है टारगेट। तो जल्दी ही ये 1500 तक टच करेगी, पर उससे पहले इसी वीक में इसको 1450 तक का टारगेट कंप्लीट करना है। तो जल्दी ही आपको 1500 तक का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इनफैक्ट 1550 तक भी जा सकती है, क्योंकि जल्दी ही आपको ये फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी खासी दिखने वाली है। अगर 6 मंथ पे आप लोग बात करें तो देख सकते हैं लगातार की फ्लक्चुएशन कितनी ही डाउन की साइड थी, और फिर अब जल्दी ही ऊपर जाएगी, जल्दी ही इसकी पॉइंट बहुत जल्दी ही बाउंस करने वाली है। पर उससे पहले इसी वीक में ये पहले टच करे 1450, तब एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने का चांसेस बना रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हुई थी 1427 की, और हाई गई है 1430 की, और जो लो गई है 1412 की। तो एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन देखने को मिल चुकी है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करें वो ज्यादा से ज्यादा बाय में ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पर जो मैं पुरानी वीडियो में जिस तरीके से बताया था, 9:15 से लेकर 9:30 तक ऑब्जर्व कीजिएगा, और उसके बाद भी 5 मिनट ऑब्जर्व कीजिएगा किस साइड फ्लक्चुएशन है, और उसी के बीच में आप ट्रेड करके अपना प्रॉफिट गेन कीजिएगा। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो याद से लाइक कर दीजिएगा, और किन्हीं को भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।